देवड़ी मंदिर मंदिर नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पूजा स्थल नहीं है, और ये ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 धारा 6 के अंतर्गत इलीगल है, अवैध है, अर्थात त्रुटिपूर्ण है, और ये ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देवड़ी मंदिर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य अगर आपको कहता है कि ये हमने ट्रस्ट के अधीन हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये इलीगल है, ये त्रुटिपूर्ण है, ये असंवैधानिक है। और आज की तारीख पर इसी ट्रस्ट के नाम पर सरकार से, अर्थात पर्यटन विभाग से लगभग 8 करोड़ रुपए लेने की प्रयास हो रही है। जरा सोचिए, आज हम आप सबको बताएंगे देवड़ी मंदिर की पूरी इतिहास मैं आपको के साथ फेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पुष्टि तो मुझे तब हुई जब कल धूमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी कुछ सबूत हमारे हाथ लगी है, जिसे अध्ययन करने के बाद हम आपको दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ये इलीगली है। इससे पूर्व मैंने आप सबको बताया था कि हम इसे मंदिर नहीं मानते हैं, लेकिन आज की तारीख पर मुझे पुष्टि हो गई है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 धारा 6 के अंतर्गत ट्रस्ट का निबंधन किया जाता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन तो तब होती है जब 13 सदस्य होना जरूरी है, लेकिन हमारे देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के नाम में मात्र 4 लोग हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात सिग्नेचर किए हैं। लेकिन ये ट्रस्ट नहीं, बल्कि ये सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है। सोसाइटी एक्ट 1860 धारा 21 के अंतर्गत देवड़ी मंदिर ट्रस्ट नहीं कह सकते हम, सोसाइटी के अंतर्गत निबंधन किया गया है। सोसाइटी तो हमें लगता है ये एक पर्सनली प्रॉपर्टी को शायद सोसाइटी कहा जाता है, और देवड़ी मंदिर के जितने भी जो अधिकारी, जो भी सदस्यगण अपनी सोसाइटी को विस्तार करने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए सरकार से 8 करोड़ रुपए लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख पर इस तमाड़ मंदिर परिसर विवादित इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आदिवासी समुदाय ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारी कस्टम सिस्टम से जुड़ी परंपरा वास्ता का स्थल है इस जगह से। जब बात सामने आ रही है कि आदिवासी समुदाय ताला लगाई गई थी, लेकिन ये बात से तय हो जानी चाहिए, सत्य हो जानी चाहिए, साबित हो जानी चाहिए कि आदिवासी समुदाय के द्वारा, पान पुजारी द्वारा, हमें लगता है अपने पूजा की समय पर ही शायद ये ताला लगाई गई थी, या फिर पांडा पूजा करने के समय पर, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रस्ट इलीगल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो सदस्य, जिन लोगों की सदस्य होनी चाहिए ऐसे ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत जो आती है, ये इलीगल है। डीड में जितनी लोगों की जो सिग्नेचर होनी चाहिए ये भी फुलफिल नहीं कर रही है, और उस जो मेरे पास जो सबूत मिली है, उस सबूत पर जो रिट याचिका दायर किया गया था, विधायक विकास कुमार मुंडा ये बता रहे थे कि ये लोग केस हार चुके हैं। केस हारने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये लोग मरे हुए व्यक्ति पर रिट याचिका दायर किए थे, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ में केस किया था साधारण भाषा में, और इसीलिए उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को खारिज करके अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप दिया है कि भैया आप, ये आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप अपने अंतर्गत चला सकते हैं, आप खुद सदस्य ले सकते हैं, आप खुद सदस्य हैं, इसके हेड चेयरमैन तो आप हैं,
आप इसको अपनी तरीका से चलाइए। तो ये देख करके अनुमंडल पदाधिकारी, उस वक्त के अधिकारी थे, इन्होंने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा करके आज की तारीख पर 8 करोड़ रुपया सुंदरीकरण के नाम पर स्वीकृति दिया गया है। उस दौर था जब COVID-19 का दौर चल रहा था और पूजा पाठ धार्मिक स्थल जहां अवैध तरीका से चल रही थी, जहाँ इलीगल या मनमानी रूप से कार्य को संपन्न किया जा रहा था, सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी को ये शक्ति प्रदान की गई थी उच्च न्यायालय के द्वारा कि आप इस पर कंट्रोल करिए। ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के यथाशीघ्र उन लोगों ने एक कमेटी का गठन किया, बैठक बुलाया और बैठक में ट्रस्ट का गठन करेंगे हम लोग, ये कह करके BDO CO, ग्राम पंचायत सचिव, मुखिया, पुजारी, इन लोगों ने हस्ताक्षर करके डीड पर तैयार करके ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर आवेदन देते दिया होगा। लेकिन आज की तारीख पर लोग ये ट्रस्ट ही मानते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है भैया, ये ट्रस्ट निबंधन संख्या 4-9 के अंतर्गत निबंधन किया गया है। तो आप इसको ट्रस्ट अब कैसे कह सकते हैं, ये ट्रस्ट नहीं है। अगर आप इसे सोसाइटी मानते हैं तो सोसाइटी तो हमें लगता है ये एक पर्सनली सोसाइटी होगी, ये पर्सनली प्रॉपर्टी होगी। और आज की तारीख पर यही, क्योंकि देवड़ी मंदिर की परिसर को इन्होंने क्या किया है, पर्सनली सोसाइटी समझ के रखा है और इसीलिए उस जगह की सुंदरीकरण किया जा रहा है। आसपास के जितने भी जो दुकानें हैं उनको हटाने के लिए सूचनार्थ किया जा रहा है कि भैया आप इस जगह से आप अपना दुकान को हटाइए, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, आप हमारे सोसाइटी के अंदर में आप दुकान लगा रहे हैं, आप हटो यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पर्सनल सोसाइटी है, अब इसको हमें डेवलप करना है। आप बात को समझने की प्रयास कीजिए, बात यह है। और आज की तारीख पर विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि उस जगह की जो अपने कस्टम तरीका से पूजा पद्धति को संपन्न किया जाता था, उस जगह पर आदिवासी समुदायों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन ये मामला कई सारे लोग मानते हैं कि कोर्ट से हार चुके, हारे नहीं है, ये कोर्ट से खारिज किया गया है। खारिज इसलिए किया गया था क्योंकि मरे हुए व्यक्ति चामरू फांडा के नाम पर रिट याचिका दायर किया गया और उच्च न्यायालय मरे हुए व्यक्ति पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है, कोई सुनवाई नहीं करता है, और इसीलिए इस आवेदक को आवेदनकर्ताओं के द्वारा जो रिट याचिका दायर करने के लिए कहा गया था, इनको खारिज कर दिया गया है। मामला ये है, आप देखना ये होगा कि अब जिंदा व्यक्ति पर रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता है। हमें लगता है इसीलिए उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता को इसीलिए पिछले बैठक में बुलाया गया था, अब पता चल रहा है। और इसीलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि देवड़ी मंदिर एक ट्रस्ट है तो भूल जाइए, ये ट्रस्ट नहीं प्रॉपर्टी है, ये सोसाइटी है। ट्रस्ट के अधीन ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये सोसाइटी के अधीन ही रजिस्टर्ड हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और डंके की चोट पर कह सकता हूँ, क्योंकि सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके इस सर्कल पर सुंदरीकरण किया जा रहा है। अर्थात सुंदरीकरण करवाने से पहले उस इलाके को जितने भी जो लोग दुकानदारी करके कब्जा करके रखे हैं, भैया ये मेरा सोसाइटी है, आप इस जगह से हटो, ऐसा कह के उन लोगों को नोटिस किया जाता है। और आज की तारीख पर ये लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, भैया धार्मिक स्थल नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है। ये जब ट्रस्ट इलीगल मान दिया, ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, ट्रस्ट एक्ट 1882 धारा 6 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत जब ये इलीगल मानी जाती है, तो अब इसको अब ट्रस्ट के अंतर्गत अब सुंदरीकरण क्यों करवा रहे हैं सरकार को, ये समझना होगा।
और ये बात सत्य है कि ट्रस्ट नहीं बल्कि सोसाइटी है। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे भारत में किसी भी कंपनी, क्योंकि ट्रस्ट एक कंपनी की तौर से रजिस्टर्ड किया जाता है, दो तरीका से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, सोसाइटी एक कमेटी, सोसाइटी एक ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? कंपनी, और कंपनी के अधीन से रजिस्टर्ड होने के पश्चात उनसे लगभग 28% रुपया सरकार के फंड पर जमा किया जाता है। सोसाइटी के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड हुआ है वैसा ही सरकार के फंड में पैसा को जमा किया जाता है। लेकिन आज की तारीख पर देवड़ी मंदिर जो सर्कल को सुंदरीकरण करने की बात की जा रही है, ये सोसाइटी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। इसीलिए सर्कल के आसपास के लोगों को खाली करवाने के लिए नोटिस दिया जाता है कि भैया आप हमारे सोसाइटी पर रहते हैं आप, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, हमें अपने सोसाइटी को सुंदरीकरण करना है। अब बताओ, आप कहते हैं 16 बुझाएं वाली माता है, लेकिन वही 16 बुझाएं वाली माता आपकी अस्तित्व पर खतरा मंडराने पर तुली हुई है। जरा सोचिए इस बात को। आज की तारीख पर ये समझना होगा, ये जानना होगा, लेकिन जितने भी उस जगह में जो भी लोग कहते हैं कि खेस हार चुके हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ ये लोग खेस हारे हैं, क्योंकि CS खाता में उनके नाम अंकित है। अर्थात उच्च न्यायालय पर RSS खाता को, अर्थात रीजनल सर्वे को चैलेंज किया जा सकता है। इतना याद रखिएगा, CS कथा CS खाता में अंकित व्यक्ति ये दावा कर सकते हैं, ये चैलेंज कर सकते हैं RS खाता वाले व्यक्ति को। इतना याद रखिएगा, क्योंकि RS खाता रीजनल सर्वे तो तब हुआ जब राजा रजवाड़े के समाने अंग्रेज के ज़माने की खतियान को पुनर्निरीक्षण किया जा रहा था कि भाई ये खाता, ये प्लॉट, ये खाता वगैरह वगैरह सही है कि नहीं। ऐसा चीज़ों को रिविजनल अर्थात पुनर्निरीक्षण किया जा रहा था। उसी समय ये RS खाता बनाई गई थी, और उसी समय ही ये जो पांडा चामरू पांडा के नाम से अंकित कर दिया गया है। किसके द्वारा? वंचल के द्वारा, अधिकारियों की मिलीभगत से ये हुआ है। और इसीलिए आज की तारीख पर ये ट्रस्ट के नाम से आप भूल जाइए, ये ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट के निबंधन को त्रुटिपूर्ण है, ये अवैधानिक है, अवैध है, असंवैधानिक। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी। क्योंकि ये पुष्टि तो तब मुझे हुआ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ डाटा अर्थात कुछ डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगी है, जिससे समझने में आपको, समझाने में आपको काफ़ी सहूलियत मिली है। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देवड़ी मंदिर की जो भी प्रकरण है ये जीत आदिवासियों की होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उस वक्त तो हारे इसलिए थे क्योंकि मारे हुए व्यक्ति पर इन्होंने रिट याचिका दायर कराया था। गलत इसी का है, गलत यही किया है इन्होंने। मारे हुए व्यक्ति पर इन्होंने रिट याचिका दायर किया गया, और उच्च न्यायालय मारे हुए व्यक्ति पर कोई बहस नहीं करता है, इतना समझ जाइए। धन्यवाद।